और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी युवती के साथ में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर युवती के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। लिव इन रिलेशन में रह रही थी युवती, पुलिस से शिकायत करने पर युवती को दे रहे घर वाले धमकी। विसरक थाना पुलिस को पीड़िता ने इस दौरान शिकायत दी है। पीड़िता की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने शिकायत करने पर, इस दौरान जब युवती ने पुलिस से शिकायत की, उसके बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवती के साथ में जमकर मारपीट की गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में युवती के साथ में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर युवती के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। इतना ही नहीं, अगर इस दौरान बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशन में रह रही थी युवती और इस दौरान उसके साथ में मारपीट की गई है, जहां पर पुलिस से शिकायत करने पर युवती को दे रहे हैं घर वाले धमकी। और साथ ही बता दें कि विसरक थाना पुलिस को पीड़िता ने शिकायत दी है, और बात अगर की जाए तो पीड़िता की शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी प्रिया राणा मेरे साथ में जुड़ चुकी है। प्रिया, अगर बात की जाए इस दौरान तो युवती के साथ में मारपीट की गई है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रही थी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां पर युवती के साथ जमकर जो है मारपीट की गई है। आप वीडियो में देख रही होंगी कि युवती के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए, ये युवती है जो रिलेशनशिप में रह रही थी, और साथ ही अगर हम बात करें तो प्राइवेट पार्ट में भी मिर्ची डालने का आरोप जो है युवती के द्वारा लगाया गया है। साथ ही देखिए, पुलिस से शिकायत करने पर युवती को जो लड़का है जिसके साथ वो लिविंग में रहती थी, उसके घर वाले उसको जान से मारने की धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बेसरक पुलिस में उसने पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज की है, उसके बाद देखिए पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ सच्चाई निकल कर आती है या फिर वो जो लड़का है उस पर क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। प्रिया, क्या इससे पहले भी इस तरीके की मारपीट उसके साथ में हुई थी? शिकायत में क्या कुछ और क्या पहले का भी कोई जिक्र किया गया है? जी नहीं, देखिए अभी ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर या कोई बयान नहीं आया है जिसमें पीड़िता ने पहले से कोई मारपीट का आरोप लगाया हो। अभी जो ये मामला है ये ताजा ही मामला है, जैसा कि महिला ने बताया, क्योंकि वो युवती जो है रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसके बाद देखिए कहा सुनी के बाद इस तरीके की मारपीट जो हुई है, उसके बाद लड़के के घर वाले युवती को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए पीड़िता ने जो है शिकायत विस्तृत थाना में दर्ज कराई है, पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार पूर्वक।